أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسجد کی بد دعا دھیان کے ساتھ سنیں یہ مسجد کیا ہم سے کہہ رہی ہے ایک بزرگ کسی بستی میں گئے مسجد میں دیکھا کہ کوڑے سے بھری پڑی ہے نہ پانی کا انتظام ہے نہ چراغ بستی کا سامان और ना किसी नमाजी का नामो निशान। जी हाँ, उन्होंने कूड़ा निकाल कर मस्जिद को साफ किया। रात को भूखे प्यासे उसी में लेट गए। रात भर मस्जिद की बद्दुआ सुनते रहे। वह कहती थी, ए अल्लाह, मैं तेरा घर हूँ और तेरी इबादत के लिए मुझको बनाया गया है। जी हाँ, जिस तरह यहाँ के लोगों ने मुझे बर्बाद किया है, तू इनको भी बर्बाद कर दे। उन बुजुर्ग ने बस्ती के लोगों को जमा किया और मस्जिद की बददुआ का जिक्र किया। लोगों ने वादा किया कि हम इसकी खिदमत किया करेंगे। वह बुजुर्ग नसीहत करके चले गए। जी हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कितनी बड़ी इबरत हासिल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आ रहे हैं। मस्जिद की बददुआ बहुत बड़ी बददुआ होती है। अल्लाह के घर को हम संवार लें, बहुत बड़ी कामयाबी है। और अपनी ज़िंदगी को एक हकीकत वाली ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दे रखा है, उसे गनीमत समझ लें। हमारे चैनल का नाम है ओरिजिनल नजम स्टूडियो 999। इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम।